वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। आज हम MRI में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टर एंड फ्लेयर सीक्वेंस के बारे में। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। फ्लेयर और स्टर सीक्वेंस का पहला डिफरेंस ये होगा कि जो स्टर सीक्वेंस है उसमें हमारा शॉर्ट टाइम ऑफ इन्वर्जन होता है जो कि 80 to 150 मिलीसेकंड की रेंज में होता है, जबकि फ्लेयर सीक्वेंस में हमारा लॉन्ग टाइम ऑफ इन्वर्जन यानी कि TI होता है जो कि 1500 से 2500 मिलीसेकंड तक होता है। ये तो जनरल डिफरेंस इसका हो गया। दूसरा डिफरेंस आता है कि कॉम्बाइंड T1 और T2 वेटिंग इमेज होती है जो कि हमारा स्टर सीक्वेंस होता है, और जो हमारा फ्लेयर है उसमें ओनली T2 वेटेड इमेज होती है, जिसमें जैसे कि T2 में शो होती है, सेम ऐसे ही सम उसकी करेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, इसलिए इसको हैवली T2 वेटेड इमेज का कहा गया है। और स्टर में हमारा फैट और वाइट मैटर तक सप्रेस्ड हो सकता है, बट हम मेनली स्टर सीक्वेंस को बॉडी इमेजिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पाइन के केस में हम स्टर का यूज़ करते हैं। और फ्लेयर में CSF और वाटर कैन बी सप्रेस्ड। बेसिकली हम इसको न्यूरो इमेजिंग में यूज़ करते हैं और बाकी सीक्वेंस में हो सकता है, बट बेस्ट यूज़ के लिए हमारा फ्लेयर हमारा न्यूरो इमेजिंग के लिए अच्छा रहता है। और जो हमारा स्टर सीक्वेंस है उसमें हम पोस्ट कंट्रास्ट नहीं कर सकते, जबकि हम फ्लेयर सीक्वेंस में वो पोस्ट कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में क्या क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि फ्लेयर और स्टर सीक्वेंस में बेसिकली होता क्या है। एक ह्यूमन बॉडी है, वो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन हो जाते हैं जब वो मैग्नेटिक बोर में या मैग्नेटिक मशीन में जाती है। तो अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं ये दो लेवल हैं, एक में हमारा फैट और एक में हमारा फ्लूड लिखा हुआ है। इन दो लेवल पे जब हमारा 180 डिग्री पल्स सेंड करते हैं इनवर्स वाली, तो वो उसका LM जो होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, वो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग आ जाता है, ये नीचे की डायरेक्शन में है। अब हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में आने के बाद इस लेवल पे तो हमारा फ्लूड सिग्नल्स देगा और इस लेवल पे हमारा फैट सिग्नल देगा। तो ये हमारे दो लेवल हो गए जिस पे हमें सिग्नल्स मिलेंगे। अब इसमें हमने दो अलग अलग टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि एक शॉर्ट टाइम होगा टाइम ऑफ इन्वर्जन का, मतलब कि जब हमारे फ्लूड के सिग्नल मिल जाएंगे और फैट के सिग्नल मिलने होंगे बाकी हैं उसमें, तब हम एक 90 डिग्री पल्स सेंड करते हैं और हम सिग्नल्स एक्वायर कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारे कि इतने सेकंड में हमारा, इतने शॉर्ट टाइम में हमने इस सिग्नल्स के हमने एक्वायर कर लिए। और जब हम लॉन्ग लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे जो टाइमिंग होता है फ्लूड की, जो रिकवरी होती है फ्लूड के लेवल की या फ्लूड के हाइड्रोजन प्रोटॉन की जो रिकवरी रेट होता है वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू फैट के, क्योंकि फैट हमारा कंजस्टेड पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, उसके हाइड्रोजन प्रोटॉन को अलाइन होने में अपने ओरिजिनल पोजीशन आने में टाइम लगेगा। इसलिए हमारा लॉन्ग जो टाइम ऑफ इन्वर्जन होता है, मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद अगर हम सिग्नल्स एक्वायर करेंगे, तो जब तक हमारे जो फ्लूड के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन के पॉजिटिव एक्सिस में हो जाते हैं, मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, और जो हमारे फैट के होते हैं वो हमारे धीरे धीरे रिकवरी करते हैं, इसलिए हमें फैट के जो सिग्नल्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है कि लॉन्ग होगा तो हमें फ्लूड के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे और शॉर्ट होगा तो हमें फैट के सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डायग्रामेटिकली भी मैंने शो कर दिया, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग अब इसमें रहने गई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।